पेट्रोल पंप से गन पॉइंट पर 50,000 की लूट। बाइक सवार तीन अपराधियों ने पहले मांगा 300 का पेट्रोल, फिर बंदूक तानकर छीन लिए पैसे। इस वक्त की बड़ी खबर, मोतिहारी में पेट्रोल पंप पर लूट हुई है। वारदात को अंजाम देने के लिए तीन अपराधी बाइक से आए थे और पहले 300 रुपये का पेट्रोल मांगा। उनके पास हथियार भी था, जिसका भय दिखाकर अपराधियों ने नोजल मैन को लूट लिया। नोजल मैन ने विरोध किया तो अपराधियों ने उन पर हथियार तान दी। लूटपाट का CCTV वीडियो भी सामने आया है। पेट्रोल पंप कर्मी के अनुसार अपराधी 50,000 से 60,000 रुपये ले गए हैं, जो दोपहर से शाम तक का कलेक्शन था। हालांकि कितने की लूट हुई है इसका सही पता गला मिलाने के बाद पता चलेगा। घटना पचपकड़ी OP क्षेत्र के सोरपनिया SN पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। नोजल मैन ने कहा कि एक बाइक पर तीन लड़के आए थे, पहले 300 रुपये पेट्रोल देने की बात कही। एक लड़का बाइक से उतरकर दूसरे नोजल पर चला गया, वहां जाकर कहा कि बहुत बेच लिए हो, इतना कहने के बाद पैसे छीन लिए। विरोध किए तो बंदूक निकाल कर तान दी और गोली मारने की धमकी देने लगे। लूट के बाद वे तीनों बाइक से ढाका की तरफ फरार हो गए। घटना की सूचना जैसे ही पचपकड़ी OP प्रभारी अंजन कुमार को लगी, वैसे ही घटना स्थल पर पहुंचे और CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान में जुट गए। OP प्रभारी ने बताया कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीन आदमी थे तो वो जो उत्तर साइड में नोजल जो है हमारा, उस पर वो तेल लेने के लिए रुका था, माने वहाँ हम गए नहीं है। कितने आदमी से था वो? तीन आदमी से था। तो जब वो आया, तो बोला जे बिक्री तो बहुत कर दिए है। जब हम अनुभव हुआ तो हम पीछे पड़े भागे। जब पीछे पड़े भागे तो वो दोनों हाथ से पिस्टल मेरे ऊपर गिरा दिया और कहा जे साला पैसा दो ना तो गोली मार देंगे। किधर के तरफ भागा है? हम इधर भागे हैं। वो किधर के तरफ भागा? वो तो ढाका के तरफ भागा है। ये यही फोटो तो साफ आ रहा है ना?